आम्ही या 13-2 च्या माध्यमातून जे फॉर्म भरलेले आहेत ते जवळजवळ 1500 ते 1600 फॉर्म भरलेले आहेत आणि त्यांची दखल एसआरएला ही घ्यावीच लागेल। त्याचबरोबर एसआरएने जर आमची दखल घेतली नाही तर आम्ही एवढ्या आठवड्यात कधीही एसआरएला जाऊन आम्ही आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएनयू चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी में। मैं आसपास की पहले एक तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में झोपड़पट्टी है, यानी चाली और स्लम में लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों की, या सारे बिल्डिंग की, लोगों का साइन लिया गया, लोगों के घर के बदले घर दिया जाएगा, लेकिन घर के नाम पर यहाँ पर सभी के साथ एक बड़ा धोखा हो चुका है। घर तो मिलना दूर की बात है, लेकिन इनके ही घर के पेपर कागज़ को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इसी मसले पर हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से क्या पूरा मामला है, किस लिए यहाँ पर आज मोर्चा निकाले हुए हैं। हालांकि ये पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन पब्लिक के घर को दिखाकर, पब्लिक के घर के बदले में एक लाखों नहीं करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। मैं जानना चाहूँगा क्या पूरा मसला है सिद्धार्थ कॉलोनी का। सिद्धार्थ कॉलोनी की आज जो हालत हुई है, इसके बर्बादी का कारण कौन है? इस बर्बादी का कारण है फेडरेशन, और फेडरेशन को जो ताकत देने वाले राजीव वाघमारे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, कि एक ज़माने में इस सिद्धार्थ कॉलोनी में या बम्बई में जो आरपीआई का नाम था, उस वजह से यहाँ के जो लोग उनके साथ चले गए। लेकिन हुआ क्या, दीपक निकाल जी का इस्तेमाल करके, क्योंकि दीपक निकाल जी एक डॉन का भाई था, वो भाई का भाई, इसके लिए यहाँ के आदमी लोग को डरा डरा के, धमका के, पैसा दे के का फॉर्म भरा। चलो बोलो, हम लोग चलो चलेगा। हम लोग बोल रहे थे दीपक निकाल जाए कोई बिल्डर नहीं, तो मेरे बेटे को हाथ में लिया, उसको शराब पिलाया, पैसा दिया, जवान पीढ़ी को मालूम नहीं, और उससे दंगा करवाया, लोगों ने फॉर्म भरा। उसके बाद 15 साल तक दीपक ने क्या किया, कार्तिक भट्ट को लाया, कार्तिक भट्ट से पैसा लिया। दीपक के साथ कौन मेन, ये फेडरेशन वाले लोग। तो दीपक ने जैसा ही कार्तिक भट्ट को लाया, कार्तिक भट्ट ने मिडबावकर को लाया, मिडबावकर ने कदम को लाया, बाद में यह कार्तिक भट्ट को लाने के बाद कार्तिक भट्ट अलग से बिल्डर ला रहा है। उसी टाइम फेडरेशन वाले ने एक रिशा बिल्डर प्रकाश जोशी को लाया, यानी दोनों लोगों ने, जिसका हमारा कोई संबंध नहीं था, हमारा संबंध किससे था, हमारे सोसाइटी था, लेकिन सोसाइटी के जो हमारे लोग थे वे अनपढ़ थे बेचारे, उनको समझ में आया नहीं। उनसे पूरी की पूरी अथॉरिटी उन्होंने लिख के अपने नाम पे ली, किसने, फेडरेशन ने, और फेडरेशन ने पूरा करवाया है। मतलब सिद्धार्थ कॉलोनी को बर्बाद करने का जो कारण है सिद्धार्थ कॉलोनी के लोग, हमारे ही लोग है, हमारे अपने लोग है, फेडरेशन के लोग है, जहाँ कि इसका नाम लेके मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, जिसका नाम लेना भी गलत है, तो भी मैं बोलता हूँ जहाँ पर जो राजू वाघमारे नाम का आदमी है, उनकी क्या औकात थी सिद्धार्थ कॉलोनी में सबको मालूम है। लेकिन क्या थी ये लोग बोल रहे हो, देखो ये लोग बोल रहे, तो इनकी जो औकात थी, हुआ क्या, माननीय हमारे अभी केंद्र के मंत्री रामदास जी आठवले साहब, उनका पार्टी का यहाँ पे बोलबाला था, आज भी है, उनका उसने हाथ पकड़ा, उंगली थाम ली, उसी समय दीपक निकाल जी आरपीआई में आ गए। और दीपक निकाल जी कौन है मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, अरे बड़े डॉन का भाई वो नहीं, डॉन के भाई हैं, लेकिन सिद्धार्थ कॉलोनी का अगर देखा जाए इतिहास, सिद्धार्थ कॉलोनी के लोग ऐसे हैं, यहाँ की कॉलोनी की अगर बात करें तो इनकी जो शर्त होती है या इनकी जो मुद्दा होते हैं, अपने मुद्दे पे जब अड़ जाते हैं तो सरकार को भी मानना पड़ता है। लेकिन आप लोग इतना पीछे क्यों रह गए ये सब कुछ होने के बाद? इसका कारण उस समय देखिए, जब कांग्रेस का राज था, उस सरकार में हमारे आरपीआई जो आठवले साहब है, उनके पार्टी का एक मिनिस्टर था, कहे साहब मस्के से नाम कह दो, दयानंद मस्के सर, यहाँ पे एक दूसरा एक बिल्डर आया था, मैं उसका नाम क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि लोगों को लगेगा मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ। तो उस बिल्डर ने 4 सोसाइटी का सबमिशन करने के बाद, जहाँ तक का सवाल है, एसआर में जो काम होता है नहीं, वही काम दयानंद मस्के ने एसआरए के लोगों के ऊपर दबाव डाल के पूरा कॉलोनी में सबमिशन कर लिया, और वहीं से कॉलोनी का सत्यानाश हुआ। जी हाँ, सिद्धार्थ कॉलोनी का सत्यानाश हुआ, लेकिन यहाँ ही के लोग, स्थानीय लोगों ने लोगों को गुमराह किया, घर के बदले घर देंगे, बिल्डर अपॉइंटमेंट किया गया, लोगों का साइन किया गया, लेकिन आज घर के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। लेकिन जो लोग बीज बिचौलिया कर रहे थे, आज वो करोड़पति बन बैठे हैं।
आपसे जानना चाहेंगे, सिद्धार्थ कॉलोनी की जो ये हालत है सभी को पता है, आपको भी पता है और आप यहाँ के जो रहवासी हैं, लेकिन घर के बदले घर कब मिलेगा? आज जो यहाँ की हालत है क्या कहना चाहेंगे? वास्तविक पता है, ही सिद्धार्थ कॉलोनी ही बाबा साहब आंबेडकर चळवळीचा बाली किल्ला है आणि या बाली किल्ल्यामध्ये दीपक भाऊ निकाळजे हे यांनी एंट्री मारली, हे रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने मारली अटल साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। आणि एक सिद्धार्थ कॉलनीला जनतेने एक विचार केला की बाबा आपल्या समाजाचा माणूस आहे आणि आपल्या समाजाचा माणूस हा आपला विकास करू शकतो, या उद्देशाने सिद्धार्थ कॉलनीला संपूर्ण घरधारकाने जवळजवळ 90% 90% घरधारकाने त्यांना संमतीपत्र भरून दिले। आता त्यांचं काम होतं की आपल्या घरात विकास करायचा, परंतु काय आहे त्यांच्या नेचरमध्ये काय सौदेबाजीचं काय जर असेल तर त्यांनी काय केलं, विकास न करता एक फेडरेशन इथं तयार केलं आणि त्या फेडरेशनचा प्रमुख आमचं एक राजू वाघमारे आहे, त्यांना तिथं नियुक्त केलं। त्यांनी काय केलं, फेडरेशन आणि दीपक भाऊ यांनी दोघांनी मिळून प्रोजेक्ट राबवायचा हे करून त्यांनी कार्तिक भट नावाच्या एका बिल्डरला आणलं, त्यांनी दोघांनी पार्टनरशिपमध्ये करायचं त्यांनी ठरवलं। ठरवत असताना मध्ये त्यांचं काहीतरी बिन असलं आणि त्यांनी दुसरं त्या फेडरेशनच्या माध्यमातून दीपक निकाळजे भाऊंनी रिचा बिल्डरला आणलं, रिचा बिल्डरनी मग परत त्यांचं काय बिन असलं, मग त्यांनी काय केलं, कार्तिक भटनी कोर्टात केस टाकला। आता कोर्टात केस टाकल्यानंतर तो प्रकल्प रखडला। दीपक भाऊंनी आपल्या सगळ्या घरधारकांना वचन दिलं होतं की मी लाईट बिल भरणार, पाणी बिल भरणार, नळ जे काय भाडं थकीत आहे कलेक्टरचं ते सर्व भरणार। लोकांनी विश्वास ठेवून बिलं भरली नाहीत, लोकांनी विश्वास ठेवून कलेक्टरचं भाडं भरलं नाही, लोकांनी विश्वास ठेवून पाणी बिल भरलं नाही। यापूर्वी लोक लाईट बिल भरत होते, कलेक्टरचं भाडं भरत होते, पाणी बिल भरत होते, परंतु आपला माणूस आहे आपल्याला कधी दगा देणार नाही या आशेपोटी लोकांनी ते सगळं थांबवलं आणि कालांतराने यांची भांडणं कोर्टात गेली। कोर्टात गेल्यानंतर तो प्रकल्प रखडला, प्रकल्प रखडल्यानंतर वीज बिल वाढलं, डोक्यावर कर्ज वाढलं लोकांच्या, शेवटी यांनी परत संगणमत करून फेडरेशन आणि दीपक भाऊ यांनी संगणमत करून आपल्या कॉलनीची सिद्धार्थ कॉलनीची लाईट घालवली की जेणेकरून लोक तिसऱ्या बिल्डरला लोक चॉईस करतील। 27 दिवसानंतर पहिली लाईट घालून बघितली, घालल्यानंतर त्यांनी मग त्या जो कोण बिल्डर तो रुपयाला आणलेला त्यांनी जो बिल्डर खूप व्यक्त आहे त्याचं निष्कृत दर्जाचं काम आहे असं जवळजवळ बऱ्याच ठिकाणी त्याचं हे आहे। आणि जाणना चाहूंगा की आप बिल्डर की बात करें लाईट बिल भरने की, ॲडव्होकेट जो आपके संतोष जी उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा की लाईट बिल भरने के नाम पे जो चेक दिया था चेक बाउन्स हो गया। हां मग मी ते सांगतो पुढे, त्यांनी मग काय केलं, लाईट घालल्यानंतर त्यांनी एक दीपक भाणे आणले की बाबा रुपये तू बाबा लोकांचं लाईट बिल भरून टाक, लोकांना दाखव मी लाईट बिल भरतोय। बिचार त्यांनी काय केलं, बोगस चेक हे लाईट बिलाच्या 10-10.5 कोटी काहीतरी 11 कोटी काहीतरी दिले, लोकांना वाटावं की बाबा आमचं लाईट बिल आता दीपक बाबा भरतात या माध्यमातून, म्हणून रुपयाचे सगळे लोक फॉर्म भरतील या आशेपोटी ते चेक देऊन ठेवले। आता चेक नंतर बोगस झाले हा भाग वेगळा, परंतु लोकांचा विश्वास दीपक भावावर उडला होता म्हणून लोकांनी त्या रुपारे बिल्डरला नाकारलं आणि ह्या फेडरेशनला नाकारलं। हे फेडरेशन नाकारल्यानंतर त्यांनी काय केलं, परत संगणमत केलं, 27 दिवस लाईट घालवली कॉलनीची आणि कॉलनी 27 दिवस लाईट घालवल्यानंतर हे आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी एक आंदोलन उभा केलं पोलीस स्टेशनच्या विरोधात आणि रिलायन्सच्या विरोधात आणि ते आंदोलन उभा करून आम्ही सांगितलं बाबा तुम्ही काय झोपले होते काय 15 वर्ष लाईट आमचं हे करून, आज आम्ही आमचं चालू बिल भरायला तयार आहे, आमची लाईट चालू करा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर येऊ, आम्ही रस्त्यावर येतो थांब, लाईट चालूशिवाय आम्ही जाणार नाही। हे कुठेतरी कठोर उग्र आंदोलन जर बघून त्यांनी आम्हाला चालू बिल भरायला परवानगी दिली, चालू बिल लोक आता लोक भरत आहेत आता काय कसं काय प्रॉब्लेम आहे, परंतु याला कुठेतरी अजूनही कोणी लोक सपोर्ट करत नाही, म्हणून यांनी शॅम्पल प्लॅटचं उदाहरण केलं, व लोक शॅम्पल प्लॅट बांधून तरी आमच्या लोकांकडे येतील बघून, परंतु तसंही काय नाही, शॅम्पल प्लॅट हे अनाथराज आहे, बेकायदेशीर आहे, कुठल्याही प्रकारची परवानगी नाही, ना SRG परवानगी, ना महानगरपालिकेची, ना कलेक्टरीची, ना पोलिसांची। आम्ही या सगळ्या गोष्टी आणि ना घरधारकाची जो घरधारक आहे त्याची पण परवानगी नाही, त्या बिचाराला फसवला त्या दोघा तिघांना आणि ते शॅम्पल आपल्याला मानलं। BMC ने आम्हाला फक्त आम्हाला एक चांगली सहकार्य केलं की ताबडतोब BMC ने यांना स्टॉपिंग नोटीस दिली। आता स्टॉपिंग नोटीस दिलं काम थांबायला पाहिजे, काम चालू ठेवलं याचा दोष हा स्थानिक सहजच चेंबूर पोलीस स्टेशन असणार आहे, कारण त्यांची जबाबदारी आहे, कारण त्यांनी त्यांना कळवलं होतं BMC ने किंवा तुम्ही याच्यावर लक्ष द्या, त्यांनी दुर्लक्ष केलं आणि त्यांना तो एका रात्री दोन रात्रीत तो संपूर्ण तो रूम तो तयार केला। ज्यावेळी त्यांना स्टॉपिंग नोटीस दिली त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की जनसंपर्क कार्यालय, मग तिथे त्यांनी लोकांना फसवलं। पहिलं सांगितलं की आम्ही फ्लॅट बांधतो, दुसऱ्यांदा ज्यावेळी आम्ही BMC ने ज्यावेळी यांच्यावर बांबू लावला त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की आम्ही जनसंपर्क कार्यालय बांधतो, म्हणजे ही लोकांना फसवेगिरी केली। आज हे लोक पब्लिक के साथ सिर्फ धोका से धोका ही धोका एकदम धोका पे धोका। आता पब्लिक त्यांनाच बांबू लावला, आता इथं मागं माकूड बघणार नाही आणि उद्याच्या याच्यामध्ये
ज्या काही रिसर कारवाई है त्या कारवाई होणार आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवणार। मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ कॉलोनी के जो लोग हैं चेंज ऑफ बिल्डर के प्रोसीजर पे गए हुए हैं, ताकि यहाँ पे जो पुराना बिल्डर है या बिल्डर के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें यहाँ से निकाल के फेंका जाए, यहाँ पे नया बिल्डर को अपॉइंट किया जाए, ताकि सिद्धार्थ कॉलोनी का डेवलपमेंट हो सके, झोपड़पट्टी के बदले बिल्डिंग में घर मिल सके। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। युवा भी बड़े तादाद में यहाँ पे रहते हैं, घर के बदले घर हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमको घर बिल्डिंग में घर मिले। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मसला है? मेरा तो यही मसला है, पहले से मसला है, जो भी चल रहा था ये लोगों का वो फंसाने का ये रूल चालू था। मैं पहले से बोल रहा था कि सब जन ये फेडरेशन से बाहर हट जाओ और निकल जाओ। अभी सब लोगों ने साथ दिया, सब लोग बाहर निकल गए हैं। अभी यही चालू है, अपने जवान लड़के लोग को कहीं ना कहीं फंसाने के धंधे चालू है, लोग के केसेस डालने के प्रोसीजर में सब लोग धमकियाँ देते हैं, किसी को लालच देते हैं, घर वालों को सेपरेटली यहाँ जो नहीं रहते, जो भाड़े से चले गए वो नासिक जाते हैं, सोलापुर जाते हैं, वो लोग को फॉर्म भरने, ये लोग 25,000 है फॉर्म का, ये बिल्डर है, बिल्डर आपको हमारे बाजू का ही है, आज 9 साल हो गए, 238 रूम्स वो लोग का आज 9 साल हो गए, और आज तीसरा साल है वो लोग को 1 रुपया भाड़ा नहीं है, वो लोग भी हम लोग के पास आते हैं। तो ऐसा बिल्डर जो फेडरेशन चुना है, उन्होंने चुना है, किसी पब्लिक ने चुना नहीं है, उनका ही फेडरेशन है, उन्होंने लाया है, और ऐसा बिल्डर पहले से हमारे 16 साल चले गए, और ऐसा बिल्डर ये 200 लोगों को 9 साल से घर नहीं दे सकता, वो ला के हम लोग के ऊपर ठोप रहे, तो कब तक हम लोग चुप बैठे एक चीज़ के लिए? ये सब रुकने वाला है? और जो भी कितनी भी उड़ी मार रहे, फेडरेशन मार रहे, पैसे के जोर पर मार रहे, ये पुलिस स्टेशन MMRDC जितने भी मैनेजमेंट कर रहे हैं लोग, वो जितना करे करो बोला, अभी पब्लिक चुप नहीं बैठने वाली। और रास्ते पे सिद्धार्थ कॉलोनी में बिगुल बच चुका है, विरोध लोगों का बारंबार चल रहा है, कोर्ट में मसला है, SRA में है, लोग हेयरिंग में जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पुराना बिल्डर है उसको हटाया जाए, नए बिल्डर को अपॉइंटमेंट किया जाए। क्या कहेंगे आप लोग, किस प्रोसीजर पर जा रहे हैं बिल्डर को चेंज करने के लिए? अच्छा, मैं मराठी में बात करता हूँ। हाँ, आप देखिए 15 वर्ष की तो बात है ये, अभी हाँ आता सांगितलं आमच्या बंधूंनी, 15 वर्षापासून आम्हाला झुलवत ठेवलेले घरपासून आम्ही वंचित आहोत, आणि आम्हाला जे आश्वासनं दिली जातात, ज्या फटाकड्या उडवल्या जातात, जे काय ते आम्हाला प्रेझेंट देतात प्लॅस्टिकचं, हे फक्त फसवेगिरीचं दिलेलं आहे। आत्तापर्यंत आम्हाला त्यांनी कुठली गोष्ट सिद्ध करून दाखवली नाही, किंवा कुठलं म्हणजे आजपर्यंत आम्ही लोक ना एक आम्हाला झुलवत ठेवलेले, तरी आता याच्या पुढं हा जो काय वादळ सुटले, आता हे जे काय कॉलनीमध्ये एकीकरण होत चाललं आहे, हे त्यांच्या पायाखाली वाळू घसरत चाललेली, तिथं इनमिन 9 लोक राहिलेले आहेत, ते 9 लोकच बसले आहेत, पण आपले 80% लोक एक साईडला झालेले आहेत, का तर यांची फसवेगिरी सर्वांच्या निदर्शनास आलेली। आम्ही फॉर्म घरमालकाकडून भरून घेतो आमचे कार्यकर्ते, आणि ते घरमालक आमच्यावर विश्वास टाकतात, आम्ही आमचे जे काय आता पदाधिकारी त्यांच्यावर विश्वास टाकतो, आणि हा आमचा 2 महिन्यामधला हा प्रवास चालू झालेला आहे, याच्यामध्ये जीत आमची होणारच आहे। आम्ही वकील पण लावलेत, आम्ही कोर्टमध्ये पण गेलोत, आमचे जे काय चालले ते कायमचे मीटिंग आहे पण चालल्यात। मी थोडा सिद्धार्थ कॉलनीविषयी बोलतो, ही सिद्धार्थ कॉलनी ही फार मला वाटतं 55-60 वर्षाच्या अगोदरची ही आ ह्या सिद्धार्थ कॉलनीचं नाव काय, सिद्धार्थ कॉलनी भगवान गौतम बुद्धाचं ते नाव आहे। फिर ये गौतम के भूमि को कोई बेच नहीं सकता है और ना कोई जुदा कर सकता है, और दिए है हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, इसको कोई छीन भी नहीं सकता है, रेगिस्तान के तूफान को कोई रुका नहीं सकता है, और समुद्र के पानी को कोई सुखा नहीं सकता है, दिया है हमें। सही है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के आदर्श को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक अपनी मांग को मांगने वाले लोग हैं, लेकिन इनके अंदर ये भी भावनाएं हैं, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो छीन के भी लेने की भी भावनाएं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन जब अपने घर का मसला आया, कॉलोनी के डेवलपमेंट का बात आया, तो सब लोग एक मंच पे एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग अपने घर के लिए? जब तक हमारे पूरे घरधारक को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि
अभी 15 साल से सताए हुआ घरधारक अभी जाग चुका है। इनकी जो बेईमानी है, जो फसवेगिरी है, अब सब हम लोग जान चुके हैं। और इसलिए हम सब इकट्ठा होके, हम पहले उनके साथ थे, लेकिन जब हमको मालूम पड़ा, यहाँ जितने भी लोग हैं सब उनके साथ में थे, अब जैसे ही मालूम पड़ा है वैसे सब लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं। सब लोगों ने सिद्धार्थ कॉलोनी घरधारक हक समिति बनाकर उस समिति के माध्यम से अब ये लड़ाई चालू किया है। मैं आपके ये चैनल के माध्यम से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आगे से ना यहाँ फेडरेशन ने लाया हुआ बिल्डर रहेगा और ना फेडरेशन रहेगा। ना तो फेडरेशन का लाया हुआ बिल्डर रहेगा। संतोष जी, मैं जाना चाहूँगा, वंचित बहुजन अघाड़ी से आप नेता हैं, लेकिन कॉलोनी की बात करें तो सब एक साथ है, एक मंच पे है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, आप भी इस कॉलोनी के रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना की बात यह है कि ये जो चेंज ऑफ डेवलपर है, इसका सर्कुलर है जो रूलर एक्ट से चलता है, SRA के। यहाँ के लोगों को कुछ बताया नहीं गया है, जो चेंज ऑफ डेवलपर की स्कीम वहाँ उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वो रूल और रेगुलेशन से नहीं चल रहे। और यहाँ हम लोग को फंसा के लोगों को पैसा दे के, धमका के, डरा के वो एग्रीमेंट्स भर रहे हैं। ये एग्रीमेंट भर के वो सिर्फ सिद्धार्थ कॉलोनी में रहेंगे, उसका कुछ नहीं है। जो 13-2 से हम लोग ने जो यहाँ का डेवलपर बाहर फेंका है, SRA में उन्होंने हमारी दखल ली है, और उन्होंने भी बोला कि ये जो आगे जाके करने वाले ना, ये भी उनको नहीं होने वाला जब तक हमारे घरदारों की मांग, जो हमें घरदार के लोगों को जो सुविधा है, जब तक वो चाहिए नहीं मिलती है, तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर प्राइवेट बिल्डर नहीं महाड़ा इसको डेवलप करे, सरकार खुद यहाँ पे आकर काम करे तो कैसा हो? कोई बात नहीं, जब बहुत उसके लिए तो हमारा स्वागत रहेगा, जबकि वो उनकी ज़मीन है, ये ज़मीन महाराष्ट्र से, ये किसके, ये इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है। हम लोग भी भाड़ा दे के रहते हैं, पर हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो हमको दी है, ये हमारे लोग रहते हैं, तो वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जब महाराष्ट्र शासन का ज़मीन है तो वो करेंगे तो और भी अच्छा है, हमको सारे पूरी सुविधाएँ मिलेंगी। उनको क्यों करें, उनको तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ व्यवहार कर रहे हैं हमारी जगह पे। ये लोग घरदार को कोई मालूम भी नहीं है कि उनके घरों के ऊपर क्या चल रहा है और क्या रह रहा है। एक बार घर तोड़ देंगे ना तो ज़िंदगी में ये सिद्धार्थ कॉलोनी के जगह के घर नहीं मान पाएंगे। जी हाँ, एक बार घर तोड़ दिया जाएगा। चलो अच्छा, मैं आपको बता दूँ, आपका उम्र कितना है? मेरी 71। आपकी इच्छा है बिल्डिंग में, घर में रहने का? यस, तो 2006 से हमारी इच्छा थी, हाँ 2006 से हमारी इच्छा थी कि 2008 तक, जैसे कि SRA का पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद 18वें महीने में, यानी 1.5 साल में चाबी मिल जाती है घर की, तो हमने सोचा। मतलब आपकी जो उम्मीद थी वो उम्मीद ही रह गई, मिला कुछ नहीं। क्या बताएंगे, आप महिलाएं हैं, सिद्धार्थ कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन आज आप लोग के साथ जो घोटाला हुआ है, आप लोग के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? 15 साल से ये सिद्धार्थ फेडरेशन ने युवा वर्ग, महिला और सभी घरधारकों को कुछ भी बताया नहीं, यानी सब लोग उनके साथ में थे, 90% लोग उनके साथ में थे, लेकिन फिर भी साइन करने का, अगर मेरा घर है तो मेरा साइन नहीं लिया गया, मेरे लड़के का अगर बड़ा है तो उसको फंसा के, उसके ताजी है, लेकिन उनके लड़के को फंसा के, उनको धनराज का बिल भरा के, इतनी सारी तरुणाई हमारे ये लोगों ने बर्बाद की है। ये तो बहुत पहला मुद्दा है। बार धनराज बार जो है उसमें सारे तरुणाई को बोला जितना पीना चाहिए वहाँ जाके पिए, हम बिल भरेंगे, यानी हमारी ही अगले पीढ़ी जो है पूरी बर्बाद की है। ये दीपक भाऊ और ये फेडरेशन ने ये तरुण युवा लोगों को और नशे के इसमें डाल दिया है। ये तो सामाजिक मुद्दा नहीं, ये हमारे बच्चे लोग हैं, और इससे घर का जो मुद्दा है, घर के मुद्दे में उन्होंने किसी को पैसा दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। हम लोग तो पहले से विरोध में है, हमारे इसमें कितना अन्याय करने का जितना भी है वो कर दिया, और ये सब जब इसमें गया, कोर्ट में गया, इन्होंने जितने बिल्डर लाए ये सब कोर्ट में गए, और कोर्ट का फैसला सुन के हमें भी पता चला, तो हम लोगों ने एक साथ होके 13-2 के फॉर्म भरने शुरू कर दिए। या सिद्धार्थ फेडरेशन जो है, सिद्धार्थ विकास सेवा संघ म्हणजे फेडरेशन, या फेडरेशनच्या माध्यमातून सिद्धार्थ कॉलनीमध्ये जवळजवळ 221 करोडचा घोटाळा झालेला आहे। या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी होणं ही काळाची गरज आहे। दुसरी गोष्ट, ह्या 221 करोड चे जे त्यांनी घोटाळा केलेला आहे, ह्या घोटाळ्यामध्ये दीपक निकाळजे
त्याचबरोबर भट आणि तिसरा रिचा हे तिघही सहभागी आहेत आणि याला सगळ्यांची साथ म्हणजे राजू विष्णू वाघमारे याचं फेडरेशन आहे आणि या फेडरेशनची आणि दीपक निकाळजे आणि यांनी जो खर्च दाखवलेला आहे हा सगळा खर्च सिद्धार्थ कॉलनीच्या प्रत्येक घरधारकाच्या माथ्यावर मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि या सिद्धार्थ कॉलनीचा प्रत्येक घरधारक हे कधीच खपवून घेणार नाही। तरी माझं ह्या चॅनलच्या माध्यमातून सगळ्यांना सांगणं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करावा आणि आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे एवढी आमची तुमच्या ह्या न्यूज चॅनलच्या मार्फत आम्ही विनंती करतो। आणि त्याचबरोबर हे देखील सांगतो की आम्ही ह्या 13-2 माध्यमातून जे फॉर्म भरलेले आहेत ते जवळजवळ 1500 ते 1600 फॉर्म भरलेले आहेत आणि त्यांची दखल SRAला ही घ्यावीच लागेल। त्याचबरोबर SRAने जर आमची दखल घेतली नाही तर आम्ही एवढ्या आठवड्यात कधीही SRAला जाऊन आम्ही आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही याचा देखील विचार करण्यात यावा। त्याचबरोबर ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता ह्या सगळ्या झालेल्या बाबी ज्या आहेत हे सगळे घोटाळे आहेत याची न्यायालयीन चौकशी ही होणं ही काळाची गरज आहे आणि याची चौकशी ईडीच्या मार्फत CID च्या मार्फत आणि ज्या ज्या कन्सर्न एजन्सी असतील याच्या मार्फत ही चौकशी होणं व्हायलाच पाहिजे एवढी आमच्या संपूर्ण सिद्धार्थ कॉलनीच्या घरधारकाची मागणी आहे। याचा विचार करावा एवढंच बोलतो आणि इथेच थांबतो। जो यहाँ के पुराने बिल्डर हैं या बिल्डर के जो काम करने वाले लोग हैं लोगों ने साफ साफ चेतावनी दे दिया है कि अब उनकी धोखाधड़ी उनकी चालाकी अब यहाँ पर नहीं चलेगी। सिद्धार्थ कॉलोनी के लोग अब देख सकते हैं एक मंच पे एक साथ जागरूक हो चुके हैं क्योंकि हर किसी को अपने हक का घर चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को घर में रहना चाहिए, इस तरह की मुहिम छेड़ रखी है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। आम्ही ह्या 13-2 माध्यमातून जे फॉर्म भरलेले आहेत ते जवळजवळ 1500 ते 1600 फॉर्म भरलेले आहेत आणि त्यांची दखल SRAला ही घ्यावीच लागेल। त्याचबरोबर SRAने जर आमची दखल घेतली नाही तर आम्ही एवढ्या आठवड्यात कधीही SRAला जाऊन आम्ही आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही।